ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैक्स एंड स्टडी हब. ओके सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर अनदर टॉपिक. ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट, जैसे जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया, देन हम चैप्टर 3 पे पहुंचे जहां पर हमने फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज के बारे में स्टडी की. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर न्यू टॉपिक, आवर न्यू चैप्टर, दैट इज क्लाइमेट. आज हम क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, और क्लाइमेट के इंग्लैंड एंड ब्राजील के वेरियस इफेक्ट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. ओके सो सबसे पहले देखते हैं कंटेंट ऑफ द चैप्टर, यानी कि आप जो क्लाइमेट के चैप्टर्स पढ़ने वाले हो वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और किस तरीके से डिवाइडेड है. सो सबसे पहला वाला पार्ट जो आता है आपका इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट. ठीक है, आपके सबसे पहले कंसेप्ट को, किसी भी कंसेप्ट को समझने से पहले उसका बेसिक्स जो नॉलेज होता है वो कवर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट में हम देखेंगे कि क्लाइमेट एक्चुअली होता क्या है, व्हाट क्लाइमेट एक्चुअली इज. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर, व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट. ओके, देन हम हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा इंट्रोडक्शन टू ब्राजीलियन क्लाइमेट. ठीक है, जैसे कंटेंट ऑफ द चैप्टर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, वैसे ही हमारा जो वीडियो भी होगा वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. ठीक है, जहां पर आज की वीडियो में आप इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट एंड वेदर पढ़ोगे और अपकमिंग वीडियो में आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू ब्राजीलियन क्लाइमेट. ठीक है, आप ब्राजीलियन के फिजियोग्राफी के बारे में हमने स्टडी की. ठीक है, ब्राजीलियन के लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में स्टडी की. अब वक्त है उनके क्लाइमेट के बारे में स्टडी करने की. जो लास्ट वाला पार्ट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडियन क्लाइमेट. ठीक है, और धीरे धीरे जैसे हम क्लाइमेट हमने कवर किया, हम जैसे हम ब्राजीलियन क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर लेंगे, फिर हम क्या पहुंचेंगे, हम इंट्रोडक्शन टू इंडियन क्लाइमेट की तरफ पहुंचेंगे. ठीक है, सो पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट, व्हाट क्लाइमेट एक्चुअली इज. ठीक है, क्लाइमेट होता क्या है. अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों ने सीजन्स जो है वो सीजन्स आप पहले से ही बचपन से ही आपने पढ़ा है कि रेनी सीजन होता है, समर सीजन होता है, विंटर होता है. ठीक है, ये जितने भी चेंजेस होते हैं और ये जितने भी सीजन होते हैं ये एक क्लाइमेट कैसे क्रिएट करते हैं वो हम पढ़ेंगे, वो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो पढ़ने वाली चीज है इस चैप्टर में वो है डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. ठीक है, क्लाइमेट और वेदर के ऊपर आप लोगों को डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है. ठीक है, अगर मैं क्लाइमेट की बात करता हूं, ठीक है, सो क्लाइमेट इज अ पर्टिकुलर स्टडी ऑफ एन एरिया. ठीक है, विच डील्स विद द लॉन्ग टर्म, यानी कि कैसा होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया का अगर हम एनवायरमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हमारे डे टू डे लाइफ में एनवायरमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं, जैसे आप देख सकते हो कि मॉर्निंग में सनराइज जब होता है, ठीक है, सनराइज जब आता है तो कैसे जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा चिल्ड होता है. जैसे ही आप आफ्टरनून 12 नून को देखोगे तो वार्मनेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है. आप इवनिंग आप महसूस कर सकते हो, इवन आप नाइट को भी फील कर सकते हो. सो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ जैसे टाइम आगे आगे चल रहा है क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर एनवायरमेंट में चेंजेस काफी सारी चीजें हो रही है. कभी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कभी मॉइस्चर जो है एयर में वो इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी विंड काफी ज्यादा फास्ट फ्लो कर रहा है, कभी विंड कम फास्ट फ्लो कर रहा है. ठीक है, सो कभी विंड स्लो मूव कर रहा है. सो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में काफी सारे चेंजेस होते हैं. अब ये सारे चेंजेस अगर एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्टडी करोगे और यही सारे फैक्टर्स अगर एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म तक, यानी लॉन्ग टर्म इन द सेंस फॉर 1 month और फॉर 2 month, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टडी को आप बोलोगे क्लाइमेट. और रही बात वेदर की, तो वेदर इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर रीजन का, एक पर्टिकुलर जगह का स्टडी. ठीक है, जहां पर ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी फैक्टर्स अभी मैंने कहा आप लोगों को, जैसे विंड का फ्लो होना, टेम्परेचर का बढ़ना और डिक्रीज होना, मॉइस्चर का कम होना और ज्यादा होना, ये सारे जितने भी फैक्टर्स है, ठीक है, ये फैक्टर्स एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक आपको देखने मिलेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में आपने ठंड महसूस की, आफ्टरनून में
तुरंत क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। सो ये फॉर शॉर्ट टर्म था, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था। सो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे कंसेप्ट को हम बोलते हैं वेदर, ठीक है। और यही अगर मैं बात करूं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मान लो आज टेम्परेचर 40 है, आने वाले एक महीने तक टेम्परेचर 40 ही रहेगा, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। यानी कि क्या हो रहा है, हम वन मंथ के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो ये किसके अंदर आ जाता है, ये अंदर आ जाता है क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट, ठीक है। देखते हैं कि हमारा पॉइंट्स क्या बोलते हैं, हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, द वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन एन एरिया इन जनरल और ओवर लॉन्ग पीरियड इज नोन एज क्लाइमेट। याद रखना है वेदर क्लाइमेट का छोटा सा पार्ट है, ठीक है, बहुत बड़े क्लाइमेट का छोटा सा जो पार्ट है वो क्या है, वेदर। और ये जो वेदर कंडीशन है, ठीक है, किसी भी एरिया का वेदर कंडीशन, ठीक है, काफी ज्यादा समय तक होता है। यानी कि मानसून हो रहा है, बरसात हो रही है, वो एक महीना दो महीना बरसात चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्लाइमेट, ना कि वेदर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, क्लाइमेट इज स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि वेदर जो है, ठीक है, वो क्लाइमेट का छोटा सा पार्ट है। सो इन वेदर के स्टैटिस्टिकल डेटा निकाले जाते हैं, और ये स्टैटिस्टिकल डेटा से हम क्या बनाते हैं, एक क्लाइमेट्स बनाते हैं, जहां पर हमने क्लाइमेट्स को अलग अलग सीजन्स में हमने क्या किया है, बाइफर्केट किया है, ओके। सो याद रखो क्लाइमेट और वेदर में काफी माइनर डिफरेंस है, वेदर जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्लाइमेट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ओके। इट इज मेजर्ड बाय असेसिंग द पैटर्न ऑफ वेरिएशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड, precipitation, atmospheric particles, etc. in given region over a long period of time. ठीक है, एक particular time period में अगर मुझे climate या कोई भी weather करना है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि news वगैरह में weather forecasting होता है, ठीक है, so वो जो weather forecasting होता है वहां पर बताया जाता है कि आज मानसून होने वाला है, आज जो समर है वो काफी ज्यादा धूप काफी ज्यादा इंटेंस होगा। तो ये कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेरियस वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे ह्यूमिडिटी एक चीज है, ठीक है, देन टेम्परेचर है, विंड है, प्रेसिपिटेशन यानी कि मॉनसून, स्नोफॉल, दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन विच यू हैव ऑलरेडी लर्न इन लोअर क्लासेस क्लास 9, ठीक है, जहां पर हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था अबाउट द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। देन एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स, कभी कभी एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कभी ज्यादा होता है, ठीक है, सो वो भी एक क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। सो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, हम इनके स्टैटिस्टिकल डेटा बनाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है, वी क्लासीफाई आवर सीजन अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। सो ये था हमारा क्या, अबाउट दी क्लाइमेट, ठीक है। होप आप लोग को क्लाइमेट और वेदर पे ये जो डिफरेंस है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा फॉर वन मार्क्स व्हाट इज क्लाइमेट, ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, द वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन एन एरिया इन जनरल और ओवर लॉन्ग पीरियड इज नोन एज क्लाइमेट, काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, काफी ज्यादा अच्छा होगा इस पर्टिकुलर चीजों को समझने के लिए, ठीक है, मतलब लिखने के लिए, आंसर्स के लिए काफी अच्छा पॉइंट है वो, ओके। सो नेक्स्ट हमारे अपकमिंग वीडियो में, जैसे कि मैंने कहा आपको कि हम वेरी स्टार्टिंग फर्स्ट हमारा वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लाइमेट एंड वेदर, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट हमारे अपकमिंग वीडियो में आएगा इंट्रोडक्शन टू ब्राजीलियन क्लाइमेट, ठीक है, ब्राजीलियन क्लाइमेट की खासियत देखेंगे हम कि क्या चीजें हैं, यूनिक फीचर्स क्या है, ओके। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन टू इंडियन क्लाइमेट, ओके। अब आपको करना क्या है, अगेन नोट्स बनाना है और अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।